हेलो दोस्तों, आज हम बतलाएंगे आप नाउन को कैसे मतलब कि पहचानेंगे, ठीक ना। जैसे कोई भी सेंटेंस में आएगा तो चलिए, नाउन को पहचानने के लिए सिंपल आपको याद रखना है किसी भी वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में क्या ऐड हो। जैसे याद रखना है मेंट मेंट कॉमा नेस कॉमा आई ओ एन, समझ में आ गया। टी वाई सी वाई मेंटनेस आई ओ एन टी वाई सी वाई, इतना समझ में आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक ई लिख देना है, ओ लिख देना है, यू लिखना है, ये सब क्या है भवेल है। इसके बाद आर 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 ई, मतलब क्या ई ओ यू, इसके बाद आर 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 ई, यहाँ पर ये सब। और किसी भी वर्ड के लास्ट में दिख जाए तो क्या होगा, नाउन होगा। समझ में आ गया, क्या होगा, नाउन होगा। जैसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हम आगे बतलाएंगे तो ये इतना समझ में आ गया। चलिए इसको हटा के अभी हम बतलाते, जैसे हुड एच डबल ओ डी हुड टी यू डी ए जी ई आई एस एम, अगर ये सब किसी भी वर्ड के लास्ट में दिख जाए तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये सब अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में दिख जाए तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चलिए नाउन पहचानने का और आपको तरीका याद होना चाहिए। जैसे नाउन कहाँ कहाँ आता है तो याद रखना है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। पोजेसिव केस के बाद, पोजेसिव केस बोल सकते हैं, के बाद नाउन आता है। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द होता है। पोजेसिव केस आवर माई, ये सब होता है। प्रीपोजिशन इन एट, ये सब आपको मालूम होगा। ये सब के बाद हमेशा नाउन आता है, आपको सिंपली याद रखना है दोस्तों। समझ में आ गया। फिर इस पे याद रखना है दोस्तों आपको, जैसे नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद नाउन आ गया, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा फर्स्ट वाला नाउन के अनुसार वर्ब यूज होगा, फर्स्ट वाला नाउन के अनुसार क्या होगा, वर्ब यूज होगा। चलिए नाउन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अब इतना था आपको बताया। चलिए एक और बता देते, ये नाउन हो गया, इसके बाद एंड आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर यहाँ पर भी आर्टिकल और यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आ जाए, चाहे कोई भी, ना यहाँ पर मेरा कहने का सेंस, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है और यहाँ पर भी आर्टिकल है, चाहे यहाँ पर क्या है पोजेसिव केस और यहाँ पर भी पोजेसिव केस है, तो यहाँ पर वर्ब जो यूज होगा सो प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। अगर नाउन एंड नाउन, अगर ए सिर्फ पहले वाला के पास आर्टिकल या प्रीपोजिशन होगा, इसके बाद वर्ब जो आएगा सो सिंगुलर होगा। क्या होगा, वर्ब जो होगा सो सिंगुलर होगा। समझ में आ गया दोस्तों, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानने के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, ओ यू एस एस फुल आ जाए, एबल आ जाए, आई बी एल आ जाए, आई बी एल आ जाए, आई बी एल आ जाए, देखिए एबल एबल आ जाए, एबल आ जाए, एबल आ जाए, यहाँ पर फुल हो गया। जैसे देखिए क्रेजियस हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, क्रेजियस हो जाएगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं ब्यूटीफुल, जैसे एफ यू एल, जैसे हम क्या बनाएंगे, ब्यूटीफुल बना देंगे। जैसे एडजेक्टिव लिखते तो लास्ट में भी आई भी आता है, लास्ट में भी आई भी आता है, तो जिस किसी भी वर्ड के अंत में चलाएगा तो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे लेस आ गया, जैसे जैसे इसको हम बना देंगे माइंड, देखिए इसको क्या बना देंगे, जैसे लेस हो गया ना, लेस अगर किसी भी वर्ड के लास्ट के अंत में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे कैसे एग्जाम्पल इसको हम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर माइंड लेस, माइंड लेस, मतलब समझ में आ गया क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे लास्ट में एल डबल ई एस आ गया तो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार से आपको पकड़ना है, इसीलिए हम आपको बताया, जैसे आई सी, आई सी इक, ए एल, समझ में आ गया, आई बी एल तो आपको बतला दिए हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया, जैसे प्रीवियस ईयर, ये सब आप बना सकते हैं, ये सब आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। समझ में आ गया दोस्तों, एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब वर्ब के, वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, तो वर्ब में क्या होता है आपको याद रखना है, गो मतलब जाना, यानी कि अति नाना के सेंस आता है, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब एज एक्शन मतलब कार्य बताता है, वर्ब क्या बतलाता है, कार्य बतलाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे स्लीप मतलब सोना, खाना पीना, उठना, जगना फिरना, सब क्या है, वर्ब है। समझ आ गया, लेकिन अति एक्सेप्शन, टॉय मतलब खिलौना, खिलौना अंत में ना आ रहा है लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, लेकिन ये सब क्या है, नाउन है। समझ आ गया दोस्तों, तो ये आपका वर्ब नहीं है, है ना, तो एक दो एक्सेप्शन था। समझ आ गया दोस्तों, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है
कि भर्व को कैसे पहचाना जा सकता है, तो आपको याद रखना है ए ओ सो सॉरी एट ए डबल टी ई, जहाँ एट आ जाए, जहाँ एट आ जाए आई एस, आई एस आ जाएगा, एट आ जाएगा ई एन आ जाएगा, आई जेड ई आ जाएगा, आई जेड ई आ जाएगा, आई जेड ई आ जाएगा, ई एन बतला दिए, आई एफ वाई चलाएगा, आई एफ वाई चलाएगा। ये सब भी अगर जिस किसी भी वर्ब के लास्ट में देख जाए तो वह क्या कहलाएगा, आई जेड ई लिख दिया, आई एस ई, आई एस ई, ये सब अगर जहाँ दिख जाएगा तो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। समझ आ गया दोस्तों? और वर्ब क्या कहलाएगा, वर्ब। फिर भी आपको याद रखना है, अगर जिस किसी भी वर्ड आर डी डी ई एन ई एम, देखिए जितना भी हम आपको बतलाए हैं सब लास्ट में हो, लास्ट में था लेकिन ये शुरू में रहेगा तो वर्ब कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर जिस जैसे रेडी मतलब तैयार, अति रीड मतलब पढ़ना, आर ई डी रीड मतलब पढ़ना, वर्ब हो गया, आर ई से स्टार्ट है। इस प्रकार आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ज़्यादा है, तब पर भी आपको याद रखना है, जब वोकैब के सिस्टम में इसको आपको हेल्प करेगा। समझ आ गया दोस्तों? ये आपको वोकैब के सिस्टम में आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।